Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and spending a great time with your family at home. I'm your science teacher from Metropolitan Foundation School. This is your science class for grade 3, for grade 2. It is in third assignment of science from month of September. Chapter in a month of September we have only one chapter, chapter number 9, weather. Okay students, month of September mein hamare paas sirf ek chapter hai, chapter name is weather. So now move your work. In previous assignments, in a first assignment, in a second assignment, and for in a first assignment I was explained the chapter number 9 weather. मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट में कोई कॉपी वर्क नहीं दिया था, सिर्फ एक बुक एक्टिविटी दी थी. आई होप यू कंप्लीट इट. एंड इन अ सेकेंड असाइनमेंट वी डू कॉपी वर्क, इट्स ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. एंड ऑल्सो इन गिविंग अ बुक वर्क, इट्स ऑल्सो एन एक्टिविटी. फर्स्ट असाइनमेंट में भी मैंने आपको बुक एक्टिविटी दी है और सेकेंड असाइनमेंट में भी बुक एक्टिविटी करनी थी कॉपी वर्क के साथ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एन अदर एक्टिविटी ऑफ बुक ऑन द पेज नंबर 69. हमें यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है स्टेटमेंट्स पढ़कर. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट लाइन इज, three things that makes weather. Three things that make weather. Three means three things, तीन चीजें that make weather, जो weather बनाती हैं. In the last video में मैंने आपको fill in the blanks करवाई थी. फर्स्ट ब्लैंक में क्या था? वेदर था ना, हमें बताना था कि कौन सी चीजें मिलकर वेदर बनाती हैं. तो यहाँ हमें थ्री थिंग्स लिखनी है जो वेदर बनाती हैं. सो वी पुट इट, फर्स्ट वर्ड इज सन. सन जो है वो सनी वेदर बनाता है. एंड सेकंड वन इज विंड. विंड जो है वो विंडी वेदर बनाती है. एंड थर्ड वन इज रेन. रेन जो है वो रेनी वेदर शो करती है. सो वी पुट थ्री वर्ड, सन, विंड एंड रेन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सिक्स टाइप ऑफ वेदर. हमें यहाँ पे वेदर की सिक्स टाइप्स लिखनी है. वेदर किस किस टाइप का होता है, हम कौन कौन सा वेदर फील करते हैं, हमें वो टाइप्स लिखनी है. सबसे पहले मैंने लिखा सनी. सनी वेदर फील करते हैं ना हम, जब सन निकलता है तो वो सनी वेदर होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्लाउडी. सी एल ओ यू डी, क्लाउडी. क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर भी हम सबने फील किया है. जब क्लाउड्स आ जाते हैं तो वेदर क्या हो जाता है? क्लाउडी. यस, फर्स्ट वन इज सनी, सेकेंड वन इज क्लाउडी. नाउ थर्ड वर्न इज काम. सी ए एल एम, काम. काम वेदर वो होता है जिसमें सब कुछ पुरसकून होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, पुरसकून वेदर को हम काम वेदर कहते हैं. फर्स्ट वन इज सनी, थर्ड वन इज, सेकेंड वन इज क्लाउडी, थर्ड वन इज काम. सी ए एल एम, काम. ओके, नाउ फोर्थ वन इज विंड. विंड, विंड वेदर. विंड में हम क्या फील करते हैं? हवाएं. यस, सिक्स टाइप्स ऑफ वेदर में एक वेदर होता है विंडी. डब्ल्यू आई एन डी वाई, विंड. विंडी, विंडी वेदर हम तब फील करते हैं जब विंड चल रही होती है, हवाएं चल रही होती हैं. सो दिस वेदर इज कॉल्ड विंडी वेदर. सनी वेदर,
क्लाउडी वेदर, काम वेदर, एंड फोर्थ वन इज विंडी वेदर, एंड द फिफ्थ वन इज हॉट, हॉट वेदर. हॉट वेदर हम फील कब करते हैं? जब गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो कौन सा वेदर होता है? हॉट वेदर. और सिक्स वन इज कोल्ड, COLD, कोल्ड. जब बहुत सर्दी होती है तो कौन सा वेदर होता है? कोल्ड वेदर. यस, वी फील सिक्स वेदर. फर्स्ट वन इज सनी, सेकेंड वन इज क्लाउडी, थर्ड वन इज काम, फोर्थ वन इज विंडी, फिफ्थ वन इज हॉट, सिक्स वन इज कोल्ड. SUNNY सनी, CLOUD क्लाउडी, CALM काम, WINDY विंडी, HOT हॉट, COLD कोल्ड. दे आर सिक्स वर्ड्स वी पुट इन अ सेकेंड लाइन. ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन. टू थिंग्स दैट वी लाइक टू हैव इन समर. टू थिंग्स दैट वी लाइक टू हैव इन समर. हमें टू थिंग्स लिखनी हैं जो हम समर में पसंद करते हैं. वी पुट टू थिंग्स दैट वी लाइक टू हैव इन समर. फर्स्ट वन इज कोल्ड ड्रिंक, COLD कोल्ड, TRINK ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक. हमें कोल्ड ड्रिंक पसंद होती है ना. कोल्ड ड्रिंक हम सर्दियों में नहीं पीते, हम गर्मियों में पीते हैं. हमें बहुत पसंद होती है कोल्ड ड्रिंक सबको, तो हम समर में उसे पीना पसंद करते हैं. गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है कोल्ड ड्रिंक. नाउ सेकेंड वन इज आइसक्रीम, ICE CREAM क्रीम, आइसक्रीम. फर्स्ट वन इज कोल्ड ड्रिंक एंड सेकेंड वन इज आइसक्रीम. टू थिंग्स डेट वी लाइक टू हैव इन समर. फर्स्ट वन इज कोल्ड ड्रिंक एंड सेकेंड वन इज आइसक्रीम. हम गर्मियों में जो चीज़ें पसंद करते हैं उनमें से हमें दो लिखनी थी, तो हमने लिखा कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम. अगर आपको कुछ और पसंद है गर्मियों में तो आप वो भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बट मोस्टली स्टूडेंट्स लाइक द कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. टू हॉट ड्रिंक्स डेट वी लाइक टू ड्रिंक इन विंटर. टू हॉट ड्रिंक्स डेट वी लाइक टू ड्रिंक इन विंटर. हमें टू हॉट ड्रिंक्स लिखनी है जो हम विंटर्स में पीना पसंद करते हैं. विंटर किसे कहते हैं? सर्दियों के मौसम. और सर्दियों में हम क्या पीना पसंद करते हैं? सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें हम पीना पसंद करते हैं. उसमें से हम मैंने यहाँ पे दो लिखी हैं. फर्स्ट वन इज कॉफ़ी, COFFEE कॉफ़ी, FFEE कॉफ़ी. कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं ना हम. सर्दियों में कितनी अच्छी लगती है कॉफ़ी. गर्मियों में नहीं अच्छी लगती, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है. सर्दियों में हम और बहुत सारी ड्रिंक्स पीते हैं, लाइक सूप, टी, हॉट मिल्क. या मैंने सेकंड वन लिखा हॉट मिल्क. गर्म गर्म दूध पीना भी अच्छा लगता है ना. सो वी लाइक हॉट मिल्क. फर्स्ट वन इज कॉफ़ी, सेकेंड वन इज हॉट मिल्क. COFFEE कॉफ़ी एंड सेकेंड वन इज HOT हॉट, MILK मिल्क, हॉट मिल्क. फर्स्ट वन इज कॉफ़ी, सेकेंड वन इज हॉट मिल्क. टू हॉट ड्रिंक्स डेट वी लाइक टू ड्रिंक इन विंटर. दो चीज़ें जो हम पीना पसंद करते हैं वो है कॉफ़ी एंड हॉट मिल्क. अगर आपको कुछ और पीना पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लाइक सूप, टी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन.
टू थिंग्स दैट वी हैव टू यूज इन अ रेनी डे व्हाइल गोइंग आउट. अब हमें टू थिंग्स लिखनी है जो हम रेनी डे में पसंद करते हैं जब हम बाहर जाते हैं. फर्स्ट वन इज रेनकोट, सेकेंड वन इज अम्ब्रेला. फर्स्ट वन इज रेनकोट, सेकेंड वन इज अम्ब्रेला. हमें जब हम बाहर जाते हैं तो सेफ्टी के लिए हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं. अम्ब्रेला से हम बारिश से महफूज रहते हैं और इसी तरह रेनकोट भी यूज़ होता है जो हमें बारिश से महफूज रखता है. इससे हम गीले नहीं होते, पानी से बच जाते हैं. सो रेनकोट स्पेल इज आर ए आई एल रेन सी ओ ए टी कोट. रेनकोट आर ए आई एन रेन सी ओ ए टी कोट रेनकोट. नाउ सेकेंड वन इज अम्ब्रेला यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला. रेनकोट एंड अम्ब्रेला, रेनकोट एंड अम्ब्रेला, टू थिंग्स दैट वी हैव टू यूज इन अ रेनी डे व्हाइल गोइंग आउट. जब हम बाहर जाते हैं तो रेनी वेदर में हम क्या पसंद करते हैं? फर्स्ट थिंग इज रेनकोट एंड सेकेंड थिंग इज अम्ब्रेला. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. स्टूडेंट्स, इट इज एन अदर एक्टिविटी फाइंड आउट वर्ड्स ऑन द अम्ब्रेला इन द वर्ड सर्च. यहाँ पर आप एक अम्ब्रेला देख रहे हैं, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ये एक्टिविटी आपकी बुक के पेज नंबर 70 पर मौजूद है. अम्ब्रेला में कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं लाइक विंटर. फर्स्ट वर्ड इज विंटर, सेकंड वर्ड इज कोल्ड, थर्ड वर्ड इज हॉट, फोर्थ वर्ड इज मॉनसून, फिफ्थ वर्ड इज समर, सिक्स्थ वर्ड इज वेदर, सेवंथ वर्ड इज विंडी, एट वर्ड इज रेन. वी हैव एट वर्ड्स. सो और यहाँ पर हमें कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं, आपने इन सब वर्ड्स को इन अल्फाबेट्स में सर्च करना है और उसको कलर करना है. ओके, फर्स्ट वर्ड जो है विंटर है, वो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में. आप देखिए बी वाले लाइन में लास्ट वर्ड है डबल डब्ल्यू. सेकेंड लास्ट डब्ल्यू जो है उसके नीचे लाइन बन नीचे आई है. सो आप देखेंगे डब्ल्यू आई एन टी ई आर विंटर वर्ड मिल गया. इस तरह से हमें ये सारे वर्ड सर्च करने हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. वैसे बहुत आसान है और बहुत मज़े की एक्टिविटी है ये. सेकेंड वर्ड है कोल्ड. कोल्ड को हम सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ वी है फर्स्ट लाइन में, जहाँ वी है उसके नीचे सी लिखा हुआ है. सी, यस, ये वर्ड है कोल्ड. सी, इसके आप नीचे आ जाए तो आपको फोर वर्ड्स मिल जाएंगे. सी ओ एल डी कोल्ड, सी ओ एल डी कोल्ड. नाउ थर्ड वन इज हॉट. हॉट तो एक छोटा सा वर्ड है, इसको भी आप इजीली सर्च कर सकते हैं. ये सेकेंड लाइन में जहाँ वाई लिखा हुआ है, वाई के नीचे एच दिया हुआ है. एच के बाद आप तीनों वर्ड्स आपको मिल गए, एच ओ टी हॉट, एच. अच्छा, सेकेंड वन, फर्स्ट वर्ड तो हमने सर्च किया विंटर, सेकेंड वर्ड हमने सर्च किया कोल्ड, वो वी वाली लाइन में था, सी ओ एल डी कोल्ड. और थर्ड वर्ड इज हॉट. ये तो छोटा सा वर्ड है जो इजीली मिल जाएगा. ये वर्ड है मौजूद वाई वाले लाइन में, वाई से नीचे आप देख रहे हैं, एच ओ टी हॉट. मिल गए आपको ये वर्ड भी? सो स्टूडेंट्स, आपने हर वर्ड को अलग अलग कलर से फिल करना है, अलग अलग कलर से सर्च करना है ताकि बहुत अच्छा सा लुक आए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मॉनसून. एम ओ एन एस डबल ओ एन मॉनसून, ये वर्ड है बिल्कुल लास्ट लाइन में. आप देखेंगे बिल्कुल लास्ट में जहाँ ओ लिखा हुआ है, यस, कॉर्नर पे ओ, उसके बाद लिखा हुआ है एम
MONSOON मॉनसून, मिल गया आपको ये वर्ड भी? तो अब आप इसको भी कलर कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, फोर वर्ड मैंने आपको सर्च करके दिखाए हैं, इसी तरह आपने बाकी फोर वर्ड्स सर्च करने हैं। मैंने जैसे आपको बताया हर वर्ड अलग अलग कलर में होगा, लाइक एट वर्ड्स हैं तो एट कलर्स आपने यूज करने हैं, ओके स्टूडेंट्स, ताकि एक अच्छा सा लुक आए। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू, स्टे होम, स्टे।